Dear friends and my dear students in the previous sessions i had discussed the detailed structure of one of the important silencrete obelia and discussed its structure as well as reproduction today i shall start discussion on another topic देट इज ऑरेलिया ओरिटा द कॉमनली कॉल जेली फिश और द मून जेली ओरिलिया बिलोंग्स टू Another class of cilantrates known as Skyfozoa. This is the photograph of Aurelia. You can see a radial symmetry in its body. The margins are bright in color, and from the centers, you can see the branches of its radial, interradial, and abradial canals. In the center, some bright semicircular structures are seen. These are gonads of Aurelia. In addition, there are four arms. These are known as oral arms. The mouth is not seen in this photograph, but these arms are appearing from four corners of the mouth. This is the photograph discussed in the form of diagram, an artistic diagram in which part of the body is cut vertically you can see the radial canal the manubrium and the three arms the upper surface is aboral surface and lower is the oral surface on the margin you can see a number of tentacles present in it in the right side of diagram you can see that there are a few gonads in fact, the gonads are present on all the four radial canals. This is another artistic diagram showing mouth in the center and the four gonads present here, 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 and the hair on the four radial canals. The arms are in between these radial axis. It is another artistic diagram showing internal structure as well as the presence of morphology, showing presence of so many tentacles. द एस्टेटोसिस्ट एट द बेसेज ऑफ द टेंटिकल्स एंड ए सर्कुलर और मार्जिनल कैनाल नियर द पेरी फेरी द रेडियल कैनाल्स इंटर रेडियल पर रेडियल एवरेडियल ऑल टूगेदर मीट द सर्कुलर कैनाल प्रजेंट एट द मारजिन now let us begin the topic from the habit and habitat aurelia aurita is a common jellyfish that occurs in coastal water of tropical and temperate ocean close to the surface of water यह पानी की सतह पर या सतह के आसपास तैरने वाला ऐसा समुद्री जीव है जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के समुद्रों में पाया जाता है लो टेम्परेचर वाले हिस्से में यह नहीं पाया जाता है ऑल दो इट इज कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में यह अधिकांश जगहों पर पाया जाता है इट लिव्स आइडर सिंगल और इन लार्ज ग्रुप्स फाउंड फ्लोटिंग इन स्विमिंग फ्रीली यह अकेले अकेले तो घूमता ही है लेकिन कहीं कहीं यह बड़े सारे संख्या में फ्लॉक बनाकर एक झुंड में घूमते हुए भी मिलता है इट इज कार्निवरस एंड रिप्रोड्यूसेज बोथ बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स आमतौर से आप सेक्सुअल मेथड से ही इसे रिप्रोड्यूस करते हुए देखिएगा लेकिन जब ध्यान से इसका लाइफ साइकिल पढ़िएगा तो मालूम होगा कि नहीं इसके लाइफ साइकिल में एक पॉलिप फॉर्म भी है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें कैसा है यह द मेडूसा ऑफ और इज फ्लैटेंड बावेल और सॉसर सेफ्ट जिलेटिनस स्ट्रक्चर कॉल द बेल और अम्ब्रेला छतरी नुमा या कटोरे नुमा रचना के रूप में आपको दिखेगा आपने इसका फोटोग्राफ और डायग्राम देखा इट टेट्रामेरस रेडियल सिमिट्री चार सिमिट्री मैंने दिखलाया आपको कि चार अलग अलग, अलग एक्सिस पर इसके सिलेन्टेरॉन्न का एक्सटेंशन है जिसे हमने रेडियल कैनाल नाम दिया था तो चार एक्सेज पर बडी का बनावट और सजावट है इसलिए इसे टेट्रामेरा सिमिट्री कहा गया इट यूजुअली मेजर्स अबाउट 7.5 पॉइंट फाइव टू टेन सेंटीमीटर इन डायमीटर इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हैविंग ब्लूइश व्हाइट बडी विथ पिंक स्कोनेट्स तो आपने फोटोग्राफ देखा उसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी एकदम स्पष्ट थी आपको अंदर सभी कैनाल्स के आउटलाइन दिख रहे थे और गोनेट्स भी चमकते हुए दिख रहे थे हालांकि फोटोग्राफ में यह पिंक कलर में नहीं था अब बाहर से आपको क्या क्या मिलेगा तो जो अम्ब्रेला जैसी रचना है बेल इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू ए स्लाइटली कन्वेक्स अपर सरफेस एंड एक कनकेव लोअर सरफेस ऊपर का कन्वेक्स सतह और नीचे का कनकेव सतह द कनकेव सरफेस इज नोन एज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एंड द कनकेव द कनकेव सरफेस इज कॉल्ड सब अम्ब्रेलर सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड एक्स अम्ब्रेलर सरफेस ऊपर जो कन्वेक्स है वह एक्स अम्ब्रेलर और नीचे जो कनकेव है उसे सब अम्ब्रेलर नाम दिया गया द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज सर्कुलर न बाई एट नॉच एज आठ नॉच है इस पर यानी छोटा छोटा दरार जैसा बना हुआ इच नॉच इज प्रोवाइडेड विथ ए पेयर ऑफ मार्जिनल एनक्लोजिंग सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड एस्टेटोसिस्ट टेंटाकुलसिस्ट और रोपैलियम इसमें चार रेडियल कैनाल और चार इंटर रेडियल कैनाल या आप कहिए चार रेडियस और चार इंटर रेडियस कुल मिलाकर आठ रेडियाई पर इसमें नॉचेज पाए जाते हैं और उस नॉचेज में एक जोड़े मार्जिनल लैपेट्स हैं जिसमें कि बॉडी को बैलेंस करने वाला एक विशेष रचना टेंटाकुलोसिस्ट या रोपेलियम कहा जाता है पाया जाता है स्टेटोसिस्ट कॉमन नेम है जो कई जगहों पर यूज होगा विशेष रूप से चूंकि टेंटिकल्स के बेस पर ये लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम रखा गया टेंटाकुलोसिस्ट। इस टॉपिक के अंत में आप उसका अलग से डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इन बिटवीन नॉचेज इज प्रोवाइडेड विथ लूमेरस स्मॉल क्लोजली अरेन्ज होलो मार्जिनल टेंटिकल्स इनमें बहुत सारे टेंटिकल्स हैं थर्टी टू टू सिक्सटी फोर टेंटिकल्स कॉमनली पाए जाते हैं ये सारे के सारे टेंटिकल्स होलो हैं हाइड्रा में भी टेंटिकल्स होलो होते थे लेकिन ओवेलिया के टेंटिकल्स सॉलिड होते थे द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज कॉल्ड वेलरियम और सीडो ए ट्रू वेलम लाइक दोज ऑफ हाइड्रोजोन मेड्यूसा इज एबसेंटिन और एलिया ओवेलिया जब आप पढ़ रहे थे तो मेड्यूसा का निर्माण होता था तो वह ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर बडिंग से होता था और जब उसका अटैचमेंट पॉइंट यानी स्टॉक पर से वह भेसिकल फटता था तो उसके किनारे का मार्जिन एक भेलम के रूप में स्टॉक पर जुटा हुआ मैन्यूब्रियम के अगल बगल दिखाई पड़ता था ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हो रही है यह इफायरल आरभा से विकसित होता है इसमें इस तरह के ब्रेक करने की कोई घटना घटती है इसलिए वास्तविक वेलम इसमें नहीं पाया जाता है तो जो मार्जिन के किनारे पतले मेम्ब्रेन जैसे दिखाई पड़ते हैं उसको भेलेरियम या सीडोवेलम कहा जाता है इस मार्जिन पर कोई मसल या नर्वरिंग नहीं पाया जाता है द सब अम्ब्रेलर सरफेस बी आर द फॉलोइंग अब नीचे से देखिए तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा तो इन द सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सर्फेस देयर इज ए वेल डेवलप्ड बट शॉर्ट एंड इन कॉन्स्पीकुअस मैनुब्रियम बियरिंग ए लार्ज स्क्र इज माउथ ओवेलिया के मेडुसा से कंपेयर कीजिएगा तो ओबेलिया में मैनुब्रियम काफी लंबा था और उस पर स्क्वायर सेप्ड माउथ था इसमें मैनुब्रियम यानी माउथ के पहले का जो स्टॉक पार्ट है वह इसमें जो है इनकंस्पीकुअस यानी छोटा है एकदम सूक्ष्म होता है और ओरल आर्म्स हैं चार ऑल द फोर कॉर्नर ऑफ द माउथ आर ड्रॉन आउट इनटू फोर लॉन्ग मोबाइल डेलीकेट फ्रिल्ड एंड टैपरिंग प्रोसेस कॉल्ड द ओरल आर्म्स द आर्म्स आर प्रोवाइडेड विथ ए सिलियटेड ग्रुप ऑन इट्स इनर साइड एंड दे आर Also provided with numerous नीमैटोसिस्ट ये चारों आर्म माउथ के चार कॉर्नर से निकलते हैं और उसमें अंदर की सतह पर से एक गहरा सा दरार बना रहता है उस दरार पर यह किसी चीज को चिपका सकता है तो चूंकि आर्म ही इसका मुख्य चीज है प्रेइ का शिकार पकड़ने का इसलिए आर्म के ऊपर काफी बड़ी संख्या में निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं ये आर फैलते सिकुड़ते रहते हैं किसी भी दिशा में मोड़े जा सकते हैं अब अंदर जो सिलेंटेरॉन है वह कन्वर्ट कर गया गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल सिस्टम में द माउथ लीड्स इन टू ए शॉर्ट गलेट विद इन द मैन्युब्रियम विच फाइनली ओपन इन टू ए फोर लोव स्पेसियस स्टमक इसके सिलेंट्रॉन का सेंट्रल पार्ट स्टमक का काम किया चूंकि मैनुब्रियम शॉर्ट है इसलिए गलेट के पीछे एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जो माउथ को जोड़ेगा एस्टोमैक्स है और माउथ भी चार भाग में बटा हुआ चार कोने में बटा हुआ दिखता है जिससे कि एक एक रेडियल कैनाल्स निकलते हैं एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ माउथ आर फोर पर रेडियल दैट इज ऑन द रेडियस फोर पर रेडियल कैनाल्स सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर फोर इंटर रेडियल कैनाल्स आर प्रजेंट इन बिटवीन द पैरडियल कैनाल तो कॉर्नर पैरेडियल कैनाल और दो कॉर्नर के बीच से इंटर रेडियल कैनाल दीज एट कैनाल्स आर मच ब्रांच एंड दे एंड अप एट द मार्जिनल लैप एट एट इंटर ब्रांचेज एट रेडियल कैनाल्स एराइज टू फ्रॉम इच गैस्ट्रिक पॉच बिटवीन द इंटर रेडियल एंड पर रेडियल अब देखिए दो रेडियल के बीच एक इंटर रेडियल अब प्रत्येक रेडियल और इंटर रेडियल के बीच से फिर निकलेगा क्या तो एड कैनाल एड कैनाल यानि कि आठ और आठ सिक्सटीन कैनाल्स बन जाएंगे All the 16 canals open in the circular or ring canal situated at the margin of umbrella. Thus the gullet stomach with gastric pouches and all the canals constitute the gastrovascular canal system or enteron cavity of aurelia. The enteron cavity except gullet is lined by ciliated endodermal cells. अब यहाँ पर देखिए आमतौर से जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं वो न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स से बने हुए हैं तो इन सेल्स के मार्जिन्स पर वास्तव में सीलिया नहीं बनता है बल्कि बहुत ही सूक्ष्म भिलाई बनते हैं माइक्रो भिलाई बनते हैं जिससे कि इसका सरफेस ऑफ एब्जॉर्बसन काफी बढ़ जाए जो कुछ भी ये खाए और पचाए उसका मैक्सिमम एब्जॉर्बन हो सके इसलिए माइक्रोविलाई बनते हैं और साधारण माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सिलिएटेड नजर आते हैं ओरेलिया ऑरिटाइज कार्निवोरस इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ एग्स फिश स्मॉल लार्वा एंड पीसेज ऑफ एनिमल्स द फूड इज कॉट बाय ओरल आर्म एंड टेंटिकल्स एंड आर ट्रांसफर टू दी माउथ यह कार्निवरस नेचर का प्राणी है अधिकांश सिलेंट्रेट कार्निवरस ही होते हैं तो अपने आर्म और टेंटिकल्स की मदद से यह फूड को पकड़कर और तब माउथ में ट्रांसफर करते हैं बट सीलियरी फीडिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एज द एनिमल मूव्स डाउनवर्ड प्लैंगटॉन्स इज प्लैंगस आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस कवरिंग ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस फ्लैजिला मूव्स द फूड लेडन म्यू कस टू द बेल मार्जिन फ्रॉम फेयर इट इज टेकन अप बाय औरल आर्म्स एंड ट्रांसफर टू द माउथ आँख तो है नहीं इसलिए वास्तव में इसकी इसे पहचानने के लिए तो कुछ है नहीं तो जब यह अपना फ्लेजलर और टेंटाकुलर मूवमेंट करता है तो सब अम्ब्रेलर सरफेस पर पाए जाने वाले म्यूकस में प्लैंगटॉन्स विभिन्न प्रकार के प्लैंगटॉन्स चिपक जाते हैं वे जू पलैंगटॉन भी हो सकते हैं और फाइटो प्लैंगटॉन भी हो सकते हैं तो वह सब के सब बेल मार्जिन पर चले जाते हैं और वहाँ से ओरल आर्म उसे समेट कर अपने माउथ में ले लेता है द गैस्ट्रिक फिलामेंट्स किल एंड पैरालाइज लिविंग सेल्स इसके एस्टमेक और रेडियल कैनाल्स में दो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं एसिड्स निकलते हैं वे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खा लिया जाता है तो जल्दी ही उसे मार देते हैं और तब डाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है द एंडोडर्म ऑफ गैस्ट्रिक फिलामेंट्स एंड एंटेर प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स food अंडर गोज digestion in इन द and एंड इट्स दिस इज extracellular digestion तो सिलेंटेर के अंदर होने वाला डाइजेशन कैसा होता है तो सेल के बाहर हो रहा है यह एक्स्ट्रा सेवुलर डाइजेसन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से हो रहा है फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स बाय एंडोडर्मल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक फिलामेंट दैनल्स वेर इंट्रासेर डाइजेशन अकार तो जो न्यूट्रिटिव एपीथिलियल सेल्स हैं इसके रेडियल और इंटर रेडियल कैनाल्स में और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स को एक्स्ट्रासेवलर डाइजेशन कर दिया लेकिन न्यूट्रिटिव एपीथिलियल सेल और यह डाइजेस्टिव एंजाइम सेल्स छोटे छोटे सूडोपोडिया बनाकर अधपचे फूड पार्टिकल्स को खा भी सकते हैं उसमें फूड वैक्यूल बनता है और उसके अंदर फिर इंट्रा डाइजेशन होता है एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड इवन काइटिन द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय अमीबोसाइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम भोजन के डाइजेशन के बाद अमीबा जैसे सेल्स अमीबोसाइट्स इन फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं द एंडोडर्म ऑफ गैस्ट्रिक पॉसेज स्टोर रिजर्व फूड एज फैट ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है जो ग्लाइकोजन पार्टिकल के रूप में रहता है और फैट ड्रॉपलेट के रूप में गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन तो सिलेंटेरॉन ही सिलोम और एंटेर दोनों का काम करता है और सिलेंटेरॉन ही इसके स्टमक यानी गैस्ट्रिक और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी भस्कुलर सिस्टम का भी काम करता है अब देखिए इसमें चार गोनेट्स हैं फोर हॉर्स सुसेप्ट पिंकिस गोनेट्स विच लेटर बिकम सर्कुलर आर सिचुएटेड बिटवीन ओरल आर्म्स इन सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस सब अम्ब्रेलर सरफेस की ओर से देखिएगा तो दो ओरल आर्म के बीच में जहाँ पर रेडियल कैनाल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको गोनेट्स दिखाई पड़ेंगे शुरू में ये हॉर्सू सेप्ट होते हैं लेकिन जब ये बड़े होने लगते हैं तो ये बड की तरह दिखते हैं एकदम गोल और इनका रंग हल्का पिंक होता है गोनेट्स आर इन फैक्ट इंटरनल लाइंग इन टू गैस्ट्रिक पॉचेज बट दे आर विजिबल एक्सटर्नली बड़ी ट्रांसपेरेंट है बाहर से जो गोनेट दिख रहा है वास्तव में वह अंदर गैस्ट्रिक पॉचेज में स्थित है उनका ओपनिंग भी उधर से ही होगा बाहर के तरफ से नहीं होगा जस्ट बिलो इच गोनेट इज ए सर्कुलर एपर्चर कॉल्ड सब जेनाइटल पिट ऑफ अनोन फंक्शन गड्ढा एक बना हुआ है गोल सारा गोनेड के ठीक नीचे लेकिन उस गड्ढे से होकर बाहर ओपनिंग नहीं होती है यानी गैमिट उधर से नहीं निकलते हैं इसलिए कहा गया कि सब जेनाइटल पिट तो हैं लेकिन उनका फंक्शन अननोन है सिस्टम ऑफ फाइन ब्रांच और अनब्रांच रेडिएटिंग कैनाल्स आर क्लियरली विजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ अम्ब्रेला दीज आर पर रेडियल इंटर रेडियल एड रेडियल इन पोजिशन आप जब भी ऊपर से देखिए या नीचे से देखिए आपको सारे कैनाल्स चाहे वो पर रेडियल हो इंटर रेडियल हो या एड रेडियल हो पहले फोटोग्राफ में आपने देखा सब विजिबल होता है क्योंकि फुल्ली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड ओलर आर्म्स आर पर रेडियल इन पोजिशन वाइल गोनेट्स एंड सबजेनाइटल पिट आर इंटर रेडियल इन पोजिशन रेडियल्स के बीच इंटर रेडियल पोजिशन पर गोनेट्स है और नीचे से सब जेनाइटेल एपरचर सॉरी पिट है आउट ऑफ एट मार्जिनल नॉच फोर आर पर रेडियल एंड फोर आर इंटर रेडियल इन पोजिशन लाइक मोस्ट जेली फिश एज ऑरिल कॉमनली नोन एज मूंजली हैज ए लूज नेटवर्क ऑफ नर्व कॉर द नर्व नेट सिलेंटेटा का यह बेसिक कैरेक्टर है कि इसमें सेंटर नर्वस सिस्टम नहीं बना है और पूरे में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों की ओर से नर्वनेट बना रहता है दिस इज द एंटायर नर्वस सिस्टम एज द मून जेली डज नॉट हैव अ सेंटर नर्वस सिस्टम द सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड दल फैक्ट्री पिट्स ओसिलाई एंड द टेंटाकुलोसिस्ट और रोपालियम तीन तरह का सेंसरी स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा ऑल फैक्ट्री पिट ओसिलाई और टेंटाकुलोसिस्ट ऑल फैक्ट्री पिट क्या है ऑलफेक्शन का मतलब होता है स्मेल यानी केमिकल सेंस टू लाइन विथ सेंसरी इपिथिलियम वन लाइज ऑन द एक्स अम्ब्रेला एंड अदर ऑन द सेंस क्लब दीज आर कीमो रिसेप्ट एंड रिकोगनाइज द फूड केमिकल सेंस जो टेस्ट के रूप में या स्मेल के रूप में आप प्राप्त करते हैं उसको समझने के लिए ऑल फैक्ट्री पिट्स हैं और उसमें सेंसरी सेल्स हैं ओसिलस एन एंड एक्टोडर्मल पिगमेंट स्पॉट सेंसिटिव टू लाइट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेंस क्लब आँख नहीं है लेकिन लाइट के प्रति सेंसिटिव सेल्स का एक समूह है जिसमें लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स पाए जाते हैं ये ओसिलस कहलाते हैं ब्राइट लाइट और डिम लाइट को ये समझ सकते हैं और इसी के अनुकूल ये अपना रिस्पॉन्स करते हैं और तब लास्ट में क्या है रोपेलिया दीज आर मोडिफाइड टेंटेकल्स हेंस नॉन एज टेंटाकुलोसिस्ट फोर पर रेडियल एंड फोर इंटर रेडियल रोपेलिया और टेंटाकुलोसिस्ट आर प्रेजेंट इन एट मार्जिनल नॉचेज तो मार्जिनल लैपेट्स बताया था उसके बेस पर हमने कहा था पहले ही कि टेंटाकुलोसिस्ट या रोपेलिया पाए जाते हैं ये ऑर्गेन ऑफ बॉडी बैलेंस हैं ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा हर कॉर्नर पर आठ एंगल पर इस तरह का रोपेलिया बना हुआ है जो वास्तव में बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है तैरते समय पानी की लहर के साथ ये उल्टा न हो जाए इसमें यह काफ़ी हेल्पफुल है अगर यह उल्टा हो जाएगा तो फिर सीधा होने में संजोग का ही काम आएगा पानी का लहर ही दोबारा इसे सीधा कर सकता है क्योंकि इसमें सीधा होने का अपना कोई तरीका नहीं है तो काफ़ी परेशानी होती है तो सामान्यतः जब बहुत तेज लहर न हो तो अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर टेंटाकुलोसिस्ट पाए जाते हैं अब देखिए मेडुसा आपने पढ़ा जेलीफिश में अभी अभी और उसके पहले आपने ओबेलिया में एक मेड्यूसा स्टेज देखा था दोनों में क्या फर्क है सो देखिए ओबेलिया बॉर्न बाय बडिंग ऑफ ब्लास्टोस्टाइल ओबेलिया के मेड्यूसा की उत्पत्ति कैसे होती है तो ब्लास्टो स्टाइल पर बडिंग के द्वारा होती है वो बहुत छोटा होता है पॉइंट वन पॉइंट टू मिलीमीटर साइज का इसमें कोई ओरल आर्म नहीं होता है भेलम पाया जाता है और इसमें सिर्फ चार रेडियल कैनाल्स होते हैं इंटर रेडियल और एड रेडियल कैनाल्स नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर गोनेट्स होते हैं लेकिन एक्टोडर्मल गोनेट्स होते हैं बाहर खुलते हैं बाहर फटते हैं अंदर के तरफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है और इसलिए जब गैमिट्स बाहर रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर ही होगा अब इसकी तुलना करके देखिए इसका पर्पस ही है गैमिट्स को प्रोड्यूस करना एक बार गैमिट प्रोड्यूस हो गए इस मेड्यूसा का कोई आगे उद्देश्य नहीं रहा इसलिए यह गैमिट रिलीज करने के थोड़ी ही देर के बाद मर जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेमेल पेरस कहते हैं जिसका डेथ हो जाए रिप्रोडक्शन के बाद उसको सेमेल पेरस कहते हैं अब इसकी तुलना कीजिए जेलीफिश के मेडूसा से तो यह बडिंग के द्वारा नहीं यह इफाइडल आर्भा के मेटामोरफोसिस के द्वारा बनता है मॉडिफिकेशन के बाद बनता है यह बड़ा होता है चार पाँच दस सेंटीमीटर तक आकार में होता है इनमें चार ओरल आर्म्स हैं। भेलम इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पर रेडियल इंटर रेडियल और एड रेडियल कैनल्स पाए जाते हैं गोनेट्स इनके एंडोडर्मल होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है ये गैमिट रिलीज करने के बाद नहीं मरते हैं और कई साल तक जीवित रहकर दो तीन बार रिप्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जेली फिश तो हम लोग अगले सेशन में जेली फिश में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है इसका अध्ययन करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच